जब आप स्ट्रेस से टेंशन में होते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है, स्ट्रेस आपकी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा। अपनी रूटीन लाइफ में हम सभी किसी न किसी स्ट्रेस से गुजरते हैं, चाहे वो वर्कलोड का स्ट्रेस हो या फैमिली का या फिर हेल्थ का या फाइनेंशियल या आपके रिलेशनशिप से स्ट्रेस। और हम जानते हैं कि स्ट्रेस हमारे फिजिकल और इमोशनल हेल्थ के लिए खतरनाक है, लेकिन क्या आप स्ट्रेस के लॉन्ग टर्म इफेक्ट को जानते हैं? आइए जानें कि स्ट्रेस आपके ब्रेन को कैसे इफेक्ट करता है। अगर आपका स्ट्रेस बहुत पुराना है तो ये आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को बदल देता है, जिससे आपको मेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ये कॉर्टिजोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन के फंक्शन इफेक्ट होते हैं और आपको मूड डिसऑर्डर और अदर मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी। हमारे ब्रेन के सराउंडिंग एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, या कह सकते हैं एक बैरियर होता है, जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर बोला जाता है। ये बैरियर एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को फिल्टर करता है और उन्हें हमारे ब्रेन में एंटर करने से रोकता है। अब स्ट्रेस के साथ इसका क्या रिलेशन है? रिसर्चर्स का मानना है कि ज़्यादा स्ट्रेस होने से इस बैरियर में लीकेज हो जाता है, तब ऐसे सब्सटेंसेस भी ब्रेन में एंटर करने लगते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए टॉक्सिक होते हैं, जैसे कुछ पैथोजेंस, टॉक्सिन्स और हार्मफुल केमिकल्स। जब हमारे ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो ये हार्मोन ब्रेन में ऐसी सेल्स का प्रोडक्शन कम कर देता है जिनमें हमारी मेमोरीज स्टोर होती है, जिससे हमारी मेमोरी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसको प्रूफ करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए गए, जिनमें स्ट्रेस वाले लोगों का मेमोरी रिटेंशन टेस्ट किया गया, जिसमें पता लगा कि स्ट्रेस से मेमोरी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ब्रेन की परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो जाती है। और ऐसा सिर्फ इंसानों के साथ नहीं होता, ये एनिमल्स के साथ भी होता है। स्ट्रेस से आपके ब्रेन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो आपकी ब्रेन सेल्स को मार देते हैं। ये फ्री रेडिकल्स नई ब्रेन सेल्स पर अटैक करते हैं और उनको रप्चर कर देते हैं या मार डालते हैं। चूहों पर एक स्टडी की गई, जिसमें कई चूहों को पहले स्ट्रेसफुल कंडीशन में डाला गया, फिर एक वीक के बाद रिसर्चर्स ने देखा कि कंट्रोल ग्रुप के कंपैरिजन में स्ट्रेस वाले चूहों में ब्रेन सेल्स कम थी। स्ट्रेस हमारे ब्रेन के उन एरियाज को स्विंग कर देता है जो इमोशन एंड सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे आपके लिए फ्यूचर में स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ ही स्ट्रेस हमारे ब्रेन में एमिग्डाला को एक्टिव करता है। एमिग्डाला ब्रेन में ऐसी जगह होती है जिसको फियर सेंटर बोला जाता है, जिससे हमें डर की फीलिंग्स आती है। इसलिए जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप स्ट्रेस के साथ साथ डर भी जाते हैं और एंजाइटी के अटैक्स भी आने लगते हैं। स्ट्रेस माइलिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, जो नर्व सेल के चारों ओर एक इंसुलेटिंग लेयर है। माइलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने से ब्रेन के सर्किट के अंदर कम्युनिकेशन और टाइमिंग का बैलेंस बिगड़ जाता है। हमारे ब्रेन में अपनी स्पेशल इम्यून सेल्स होती हैं, जिन्हें माइक्रोग्लिया कहा जाता है, जो ब्रेन को इन्फेक्शन और टॉक्सिन से बचाती हैं। एक बार जब ये स्पेशल इम्यून सेल एक्टिव हो जाती हैं तो ये तब तक इनएक्टिव नहीं हो सकती जब तक कि वो डेड ना हो जाए, जिसकी वजह से ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब आपके सर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो आपके ब्रेन में सचमुच में स्वेलिंग हो जाती है। जब आप टेंशन में होते हैं तो आपकी बॉडी डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं करती। ये दोनों फील गुड हार्मोन होते हैं, जिससे हमें हैप्पी फील होता है। ज़्यादा लंबे समय तक इन हार्मोन्स का लो लेवल आपको डिप्रेशन में डाल सकता है और आप नशे की लत का शिकार भी बन सकते हैं। ब्रेन पर स्ट्रेस के सबसे खतरनाक इफेक्ट में से एक यह है कि यह डिमेंटिया और अल्जाइमर जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों के रिस्क को भी बढ़ा देता है। गाइस, बस आज के लिए इतना ही। ब्रेन पर स्ट्रेस के इफेक्ट को परमानेंट मत होने दीजिए और अपने मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर रहने से आप अपने स्ट्रेस को पहचान सकते हैं और इसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए टेक्निक सीख सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से आप अपना ख्याल और भी बेहतर तरीके से रख सकते हैं और अपनी लाइफ को ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैनेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।